हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन में एक छोटी सी चीज को समझा था, एक टर्म को डिफाइन किया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हमने ये कहा था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि जब दो मीडियम के बीच में एक इंटरफेस बन रहा हो। कौन से दो मीडियम? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी कौन से? एयर को छोड़ के, एयर के अलावा जो मीडियम है उन सबको देखे तो अगर ऐसे दो मीडियम जैसे कि ग्लास और वाटर के बीच में अगर एक इंटरफेस बन रहा हो, तब उस इंटरफेस पे लाइट टकरा के किस तरह से रिफ्रैक्ट बैक होगी, इस चीज को पता लगाने के लिए हमने एक टर्म बनाया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, रिलेटिव मीन्स संबंध में, या कहें विथ रिस्पेक्ट टू। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि अगर आप अपने आप को अगर आपके फादर की नजर से देखोगे, आपके फादर की नजर से देखोगे तो आप आपके फादर के रिलेटिव छोटे हो। कैन आई से दिस? कि आप आपके फादर के रिलेटिव छोटे हो, या इसको घुमा के कहें कि आपके फादर आपके रिलेटिव बड़े हैं। मींस मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? पहले केस में मैं आपको बेस मान के चल रहा हूं और आपको देखा कि आप अपने फादर से कंपेयर हो रहे हो, सो इट मीन्स आप छोटे हो। फिर दूसरे केस में मैंने आपके फादर को बेस मान लिया कि फादर को फादर के नजरिए से देखूंगा मैं, तो फादर के नजरिए से देखा तो फादर जो है वो बड़े हैं। फादर को दिख रहा है कि आप छोटे हो, आपको दिख रहा है कि फादर बड़े हैं, सो इट्स अ रिलेटिव टर्म। ऐसा अगर आपका कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है तो हम देख सकते हैं कि आपकी जो छोटी बहन है वो आपके रिलेटिव छोटी है, आपकी छोटी बहन के रिलेटिव आप बड़े हो। सिंपल। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ इसी तरह से कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मीन्स संबंध में किसी चीज से कंपेयर करना। ओके, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमने ये देखा था कि जब भी मैं रिफ्रैक्शन को समझता हूं, रिफ्रैक्शन को देखता हूं, तो अगर लाइट कुछ इस तरह से मीडियम वन से ट्रेवल करते हुए आती है और इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होती है और मीडियम टू में चली जाती है, तो इस वक्त लाइट आ किधर से रही है? मीडियम वन से। जा किधर को रही है? मीडियम टू में। इट मींस लाइट को फाइनली कौन देख रहा है, किसके नजरिए से देखा जा रहा है? मीडियम टू के नजरिए से, क्योंकि अब लाइट तो यहां पे एंटर कर चुकी है, मीडियम टू में आ चुकी है। अब मुझे इससे मतलब नहीं कि मीडियम में वो लाइट क्या थी, अब मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि क्योंकि मैंने लाइट को देखा कि मीडियम टू में वो जा चुकी है, सो इट मीन्स अब लाइट मीडियम टू के अंदर है। इट मीन्स मुझे मीडियम टू में किस तरह से लाइट का बिहेवियर है उसको समझना है। ओके, सो हम ये कहते हैं कि लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, और यहां पर पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हुई, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। सो हम निकालेंगे मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू मीडियम वन, कि मीडियम टू के नजरिए से देख के मीडियम वन कैसा दिख रहा है, या मीडियम वन के नजरिए से देख के मीडियम टू कैसा दिख रहा है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सो याद करिए, हमने इस चीज को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, एन के चरणों में टू लिखेंगे, मतलब टू के बारे में बात कर रहे हैं, एन के माथे पे वन लिखेंगे, इट मीन्स हम वन से कंपेयर कर रहे हैं कि वन जो है मीडियम वन वो किस नजरिए से देख रहा है कि मीडियम टू में लाइट कैसी बिहेव कर रही है। सो दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, एंड इट इज वॉट इट इज n2 डिवाइडेड बाय n1, वेरी सिंपल। अब अगर लाइट मीडियम 2 से आके मीडियम 1 में जाए तो तब किस तरह का बिहेवियर देगी लाइट?
लेट अस से लाइक इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक जाके लाइट ने स्ट्राइक किया एंड इस तरह से मूव कर गई। सो इन दिस केस हम देख सकते हैं कि इस वक्त लाइट मीडियम टू की तरफ से आ रही है, इंटरफेस पे टकराती है और मीडियम वन में चली जाती है। इट मींस लाइट लाने वाला मीडियम कौन है, किस मीडियम से लाइट आने वाली है, मीडियम टू से, और जाने किधर वाली है, मीडियम वन में। सो इसका मतलब मुझे मीडियम वन को देखना है क्योंकि लाइट अब मीडियम वन में जा चुकी है। अब क्योंकि लाइट मीडियम टू से आई है इसीलिए मैं टू के नजरिए से देखूंगा, टू के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि टू से देखने पे मीडियम वन कैसा दिखता है, ऐसा हम सोचेंगे। सो आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू विल बी इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ये किस केस के लिए, वेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम टू एंड रिफ्रैक्टेड इन मीडियम वन। ये किस केस के लिए, वेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम वन एंड रिफ्रैक्टेड इन मीडियम टू, मीडियम टू में चली गई। ओके, सो थ्योरेटिकली हमने ये चीज समझ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और उसके बाद दिस कॉन्सेप्ट कि एक दो मीडियम्स पे इंटरफेस पे जब टकराएगी लाइट तो वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि ऐसी सिचुएशन हमने कहाँ पे देखी है। ऐसी सिचुएशन हमने तब देखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लास में पानी ले लूं, उस पानी को अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो क्या दिखेगा कि आपको वाटर की लेयर दिख रही है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, सो जो इंटरफेस क्रिएट हो रहा है वो एयर और वाटर के बीच में हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसा साइड से देखूं, ऐसा साइड से, तो साइड से देखने पे मुझे ये दिखेगा कि पहले तो कुछ इस तरह से ग्लास है, इस ग्लास के अंदर पानी है यहां तक और यहां पे ये ग्लास है और ग्लास के बाहर एयर है। चारों तरफ आप देखेंगे कि आपको एयर ही दिखाई देगी। नाउ तो यहां पे ये जो इंटरफेस है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। अंदर वाले इंटरफेस को देखें तो दिस इंटरफेस, दिस वन, लेट अस मार्क दिस, दिस एक्स वन वाई वन इंटरफेस इज बिटवीन ग्लास एंड वॉटर। ये ग्लास और पानी के बीच में एक इंटरफेस है। ओके, नाउ ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका मतलब जब लाइट ग्लास से वाटर में या वाटर से ग्लास में ट्रेवल करेगी तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। कैन वी एनालाइज एनीथिंग लाइक दिस, क्या हम किसी भी चीज को इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ मीडियम देख के बता सकते हैं कि वहां रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं? यस, बस आप ये देखिए कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है और उनके बीच में एक इंटरफेस होना जरूरी है और लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करवाना जरूरी है। अगर आप देख पाएंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है सो ऑटोमेटिकली यू विल जज कि हाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसा हम कॉमनली देख सकते हैं। ऐसा आप देखते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं, जब पतीले में पानी गर्म करते हैं तो जब पानी की भाप उठती है तो भाप उठते समय अगर आप ध्यान से देखें तो भाप के थ्रू अगर आप किसी चीज को देखने की कोशिश करें तो वो चीज मूव करती हुई दिखाई देती है। दिस इज वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो भाप उठ रही है और अगर आप भाप के आर पार देखने की कोशिश करें, ऑब्वियसली बात है द स्टीम इज ट्रांसपेरेंट, स्टीम एक ट्रांसपेरेंट चीज है, तो ट्रांसपेरेंट उस स्टीम में से अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सामने चीज जो भी है वो मूव कर रही है। वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन मोर डिटेल। लेकिन हाँ, वहां पे अगेन वो जो
चीज़ें मूव करती हैं, दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। वो सिर्फ लाइट का एक रिफ्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। यहां पे भी हम देखते हैं कि हमने सीधे सीधे पता कैसे लगाया कि रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में एक इंटरफेस भी क्रिएट हो चुका है और हम देख सकते हैं कि लाइट यहाँ से यहाँ तो ट्रेवल करेगी। तभी तो हम ग्लास में ऐसा इसको पकड़ के मैं देखूँ तो मुझे पानी दिखता है, यू कैन सी वाटर इन साइड द ग्लास, बिकॉज लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकती है। सो लेट अस ड्रॉ दिस इंटरफेस। लेट अस ड्रॉ दिस इंटरफेस दैट इज X1 एंड Y1। हम ये मानते हैं कि यहां X1 Y1 के ऊपर जो है वो ग्लास है और X1 Y1 के नीचे वाटर है। अब ऊपर कितना ग्लास है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं मतलब कि इसकी थिकनेस कितनी है, वी डोंट केयर अबाउट इट। हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि इस इंटरफेस पे जब लाइट आ रही है तो क्या वो ग्लास में से ही आ रही है, क्या वो कहीं और से आ रही है। कि अगर इस इंटरफेस के जस्ट ऊपर, बिल्कुल ऊपर, थोड़ी सी ऊपर अगर हम देखते तो क्या यहाँ पे एयर है? नहीं, यहाँ पे तो ग्लास ही है, चारों तरफ सिर्फ ग्लास ही ग्लास है, ये पूरा इतना ग्लास है। तो इंटरफेस के जस्ट आसपास में हम देखें, बिल्कुल क्लोज, सो वी विल फाइंड कि यहाँ पे एकदम पास में पूरा का पूरा ग्लास है, इसके एकदम पास में पूरी पूरा का पूरा वाटर है। इसलिए हम कहेंगे कि ये इंटरफेस ग्लास है, थिकनेस से हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं कहेंगे कि ये इतना ग्लास है और इसके ऊपर एयर है, वी डोंट केयर अबाउट इट। ओके, अब इस इंटरफेस पे हम एक लाइट को रिफ्रैक्ट होता हुआ देखते हैं जो कि ग्लास से आ रही है। ग्लास से लाइट कुछ इस तरह से आके स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ऐसा। हम ये जानते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन जी से लेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 3/2। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, वी कैन से दिस 4/3। Now, अब लाइट इंसिडेंस कहां से हुई? ग्लास से। रिफ्रेक्ट कहां हुई? वाटर में। मैं रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट करूंगा? जिसमें लाइट रिफ्रेक्ट हो रही है, किसमें? वाटर में। इट मींस आई विल कैलकुलेट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मींस ग्लास से आने वाली लाइट वाटर में जाएगी, मतलब हमें ग्लास के रिस्पेक्ट में देखना है कि वाटर कैसा दिखता है, एयर के रिस्पेक्ट में नहीं देखना। जब लाइट एयर से होके ग्लास में जाती है या एयर से वाटर में जाती है, वो क्या होता है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। लेकिन इस वक्त हम ये देखना चाहते हैं कि ग्लास अगर वाटर को देखेगा तो किस नजरिए से देखेगा, ग्लास अगर वाटर को देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कैसे बताएगा? एयर ने तो बता दिया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, वाटर ने तो बता दिया कि सॉरी एयर ने बता दिया कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, लेकिन ग्लास कैसे बताएगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वो यहां से बताएगा, कहां से? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। नाउ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास NW/NG, NW/NG। नाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाटर एंड ग्लास? यस, हम इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो आई विल से वाटर इज 4/3 अपॉन ग्लास इज 3/2। सो वेन यू सॉल्व दिस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू 9/8। 9/8,
सॉरी 8/9 आई हैव सॉल्व इट रॉन्ग, इट इज 8/9. सो 8/9 इज वॉट? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर क्या है हम देख सकते हैं. वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना बोला था, 4/3, लेकिन ये किसके नजरिए से बोला था, एयर के नजरिए से, कि एयर जब वॉटर को देखेगी तो उसको देखेगा कि वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है. लेकिन जब ग्लास वॉटर को देखेगा तो ग्लास को ये दिखेगा कि वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/9 है. ओके 8/9 किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का. ओके दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग टर्म, बट ध्यान से अगर इसको समझा जाए, ध्यान से अगर एनालाइज किया जाए तो हम बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं. ओके सो अभी हमने ये देखा कि जब इंटरफेस जो था मेरा ग्लास और वाटर का था, और ग्लास से लाइट आ रही थी और वाटर में जा रही थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कुछ बन रहा था. अगर यही चीज उल्टी हो जाए, मैं ऐसा मान लूं कि जो लाइट रे है वो, दिस इज ग्लास दिस इज वाटर, जो लाइट रे है वो वाटर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, तो वाटर से आने वाली लाइट जो कि ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट करेंगे. हम कहेंगे कि लाइट वाटर से आ रही है, इंसिडेंस फ्रॉम, इंसिडेंस किससे हो रहा है, वाटर से. रिफ्रैक्ट किस में हो रही है, ग्लास में. मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है. अच्छा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके नजरिए से निकालना है, किसके नजरिए से, वाटर के नजरिए से. कि वाटर अगर ग्लास को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, क्या उसको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिखेगा? ऑब्वियसली नॉट. ये किसको दिख रहा है, ये तो एयर को दिखता है. एयर कहता है कि नहीं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, लेकिन वाटर ऐसा नहीं कहता, वाटर कुछ और कहता है. तो चलिए हम ये देखते हैं कि वाटर क्या कहता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का. सो आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, विल बी इक्वल टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनजी, इट इज 3/2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनडब्ल्यू, इट इज 4/3. सो इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट एनजी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 9/8. 9/8. इट मीन्स अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट अपोजिट हो गए, जस्ट पलट गए हैं. सो फाइनली वी कैन राइट कंक्लूजन, कंक्लूजन एस एन डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू एन जी W. तो क्या हम इन दोनों को देख के बता सकते हैं कौन सा मीडियम ट्रांसपेरेंट ज्यादा है, कौन सा एक डेंसर मीडियम है, कौन सा लाइट मीडियम है? ओके हम बता सकते हैं. कैसे, चलिए देखते हैं. ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ग्लास के संबंध में, ग्लास के नजरिए से 8/9 होता है. 8/9 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इट इज लेस देन 1. 8 छोटा है, 9 बड़ा है, मतलब ये 1 से छोटा है. ऐसा कौन कहता है, ऐसा ग्लास कहता है. किसके लिए कहता है, वाटर के लिए. अगर हम यहां पे देखते हैं सो हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेरिजन में, पानी के संबंध में. मतलब मैं वाटर के नजरिए से देखूंगा तो मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिखाई देगा. दिस इज 9/8. This 9 is greater than 8. तो क्या हम कह सकते हैं कि this term is larger than this term. कौन बड़ा है,
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है वाटर के संबंध में, कौन छोटा है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है ग्लास के संबंध में। ओके सो हम कहेंगे कि ग्लास इज अ डेंसर मीडियम देन वाटर। सो वी कैन राइट दिस, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, हेंस ग्लास इज डेंसर देन वाटर। हेंस ग्लास जो है वो क्या है, वो डेंस है कंपेयर टू वाटर। सो हमने इस ऑब्जर्वेशन में, इस न्यूमेरिकल में ये सीखने की कोशिश करी कि जो मीडियम डेंस है वो डेंस ही रहेगा, क्योंकि हमने देखा था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। सो ऑलरेडी ग्लास डेंसर है, हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके बताया, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के बताया, और रिजल्ट वही का वही आया। सो दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक सरफेस हो, जब एक इंटरफेस हो, दो मीडियम हो। लेकिन अगर यही चीज बदल जाए, कैसी बदल जाए? अगर हम इस ग्लास को ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि बीच में जो ग्लास है, इस ग्लास के एक तरफ में हवा है, एक तरफ में पानी है। तो क्या लाइट सिर्फ इस x1 y1 सरफेस पे ही इंटरफेस पे ही रिफ्रैक्ट होती है? ऑब्वियसली नॉट, लाइट उसके पहले इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्ट होती हुई आती है। लेट अस से दिस इज x एंड y, x एंड y, लाइट एक्स वाई सरफेस पे भी रिफ्रैक्ट होती हुई आती है। इट मींस जब लाइट एयर से इस एक्स वाई सरफेस पे टकराएगी तो यहां पे एक रिफ्रैक्शन होगा, किसके बीच में? एयर और ग्लास के बीच में। ओके नाउ उसके बाद ग्लास से वाटर के बीच में एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, इट मींस यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि दो सरफेसेस जब आ रही हो, तीन मीडियम जब आ रहे हो, तो इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा और फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आएगा। सो फर्स्ट यू कैन नोट दिस। ओके सो हमने अभी कहा कि हम दो इंटरफेसेस जब आ रहे हो तब रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से कंपेयर होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इस सरफेसेस के इंटरफेसेस को ड्रॉ करते हैं। कैसे? सबसे पहले ये ड्रॉ हो गया आपका एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास, हवा और ग्लास के बीच का इंटरफेस इज एक्स वाई। उसके बाद कौन सा है? एक्स वन वाई वन, x1 y1 किसके बीच में इंटरफेस है? ग्लास और वाटर। सो वी विल ड्रॉ x1 y1 कुछ ऐसा, दिस इज x1 y1, दिस इंटरफेस इज बिटवीन ग्लास एंड वाटर, ग्लास और पानी के बीच का इंटरफेस इज x1 y1। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को लेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं na से। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला है, मतलब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था रिलेटिव के पहले, जब हम हर बार एयर से किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहे थे, वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, उसको हमने na से रिप्रेजेंट किया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1, ऐसा हमने देखा था। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लेट से ng से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 3/2, दिस इज 3/2। एंड सिमिलरली
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम एन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 4/3। हमारा पर्पस ये है, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि जब रिफ्रैक्शन दो सरफेसेस को क्रॉस करके तीसरे सरफेस से होता है, मतलब एयर से निकलने वाली लाइट रे ग्लास में जाती है और ग्लास से रिफ्रैक्ट होके फिर वाटर में आ जाती है। सो फाइनली तो रिफ्रैक्टेड रे हम ये देख सकते हैं कि एयर से इंसिडेंट हुई और फाइनली तो वाटर में चली गई। बीच में तो सिर्फ ग्लास था जो कि कुछ काम कर रहा था, ऐसे ही रख दिया, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या सच में सिग्निफिकेंस नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्लास अगर मैंने बीच में रख दिया वाटर और एयर के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, एयर से इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ग्लास में जाएगी, चली गई। ग्लास में जाने के बाद ये वापस से रिफ्रैक्ट होगी जब ये ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे टकराएगी। कुछ इस तरह से ये सीधी चली गई। सो व्हाट इज दिस? इट मींस दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे फॉर एक्स वाई सरफेस। एक्स वाई सरफेस से जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। लेकिन जैसे ही मैं एक्स वन वाई वन सरफेस पे जाता हूं, मेरा नजरिया बदल जाता है और मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि नहीं, ये तो इंसिडेंस रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये बात भी सही है। इस इंटरफेस के संबंध में देखें तो ये इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड है, गुड। इस इंटरफेस के संबंध में देखें तो ये इंसिडेंस है और ये रिफ्रैक्टेड है, इट इज ऑल्सो गुड। दोनों चीजें वैलिड है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि देखने का नजरिया बदल जाता है। दोनों बार हमने देखा, एक बार एक्स वाई इंटरफेस से था, एक बार एक्स वन वाई वन इंटरफेस से। अब जब इंटरफेस एक्स वाई था तो उस समय रिफ्रैक्शन होते समय ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है। क्या मैं इस इंटरफेस पे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम? मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके संबंध में? एयर के संबंध में। सो आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां पे लिखे? इधर लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ऑन दिस सरफेस, फाइनली ऑन दिस सरफेस, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे कहां जा रही है? वाटर में। कहां से आ रही है? ग्लास से। सो आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नाउ कैन आई कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर? क्यों ऐसा? क्योंकि फाइनल रिफ्रैक्टेड रे कहां जा रही है? फाइनल रिफ्रैक्टेड रे पानी में जा रही है, वाटर में जा रही है। इंसिडेंट रे, सबसे पहली इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? वो एयर से आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये लाइट रे एयर से आ रही है और फाइनली तो वाटर में जा रही है, बीच में से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में कहीं से भी पास हुई हो, चाहे ग्लास हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कैरोसिन हो या कोई और ऑयल हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ ये दिख रहा है कि जब लाइट रे एयर से आके फाइनली तो पानी में चली गई, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। हवा के संबंध में मैं इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने की कोशिश करता हूं।
सो कैन आई राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर? क्या इसमें कोई गलती है? ऑब्वियसली नॉट. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं इसके संबंध में, मतलब इसके नजरिए से देख रहे हैं कि हवा को किस तरह से दिख रहा है कि पानी कैसा है, हवा कैसे समझ रही है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको हम लिख देते हैं, दिस इज अज्यूम दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. अगर मैं NW अपॉन NA में NG अपॉन NG का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अल्टीमेटली ये दोनों कट के वन ही रहेंगे. इट मींस ऊपर नीचे अगर मैं कोई चीज मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहेगी. सो NW विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल्स टू NW अपॉन NA इंटू NG अपॉन NG, तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे. सो अब हम क्या करते हैं, अब हम टर्म्स को थोड़ा सा सेपरेट आउट करते हैं. कैसे सेपरेट आउट? आई विल राइट NW अपॉन NG इंटू अपॉन NA. क्या किया हमने, हमने सिर्फ टर्म्स को सेपरेट कर दिया. कैसा सेपरेट? NA को मैं इधर ले गया, NG को मैं इधर ले आया, तो एक NG जब आप इधर लाएंगे तो NW अपॉन NG हो जाएगा. यहां पे NG ऑलरेडी है, NA आएगा तो NG अपॉन NA हो जाएगा. नाउ NW अपॉन NG, व्हाट इज NW अपॉन NG? इट इज दिस. इट इज व्हाट? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. सो क्या NW अपॉन NG की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं, दिस टर्म NWG? यस, मैं इसे लिख सकता हूं. तो चलिए लिख देते हैं, दिस इज NWG इनटू क्या NG अपॉन NA की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं, दिस इज NG अपॉन NA, दिस इज ऑल्सो NG विद रिस्पेक्ट टू A. सो इट मीन्स यहां पे भी मैं ये चीज लिख सकता हूं, एन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड इक्वल टू के इधर तरफ LHS में इट इज NW और NA. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि अगर एयर और वाटर के बीच में एक लेयर और है, या दो मीडियम और है, या तीन मीडियम और है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप क्या करिए, आप एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जितने भी मीडियम बीच में आ रहे हैं सभी के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते जाइए. हम यहां देख सकते हैं एयर और वाटर के बीच में ग्लास आ रहा है, तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ एयर से ग्लास के बीच में, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को हमने मल्टीप्लाई किया. और उसके बाद दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ वाटर ग्लास से वाटर के बीच में, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को ग्लास से मल्टीप्लाई किया. सो ऐसे जितने भी टर्म्स बीच में आते जाएं आप उन सभी को मल्टीप्लाई करते जाइए, एक के बाद एक सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एंड यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम. तो हम इसे एक जनरलाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट यू कैन नोट दिस.